हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो या आज हम जा रहे हैं अपने घर, घर से हम जाएंगे सीधा कज़न की शादी में। तो घर का मतलब है घर पे हम जाएंगे, वहाँ पे सारे मतलब बड़े पापा बड़ी मम्मी वगैरह हमारे साथ चलेंगे, हम गाड़ी में जाएंगे, हम तो साथ इकट्ठे ही जाते हैं हम हमेशा ऐसी जगहों पे। तो घर जाएंगे, ओके। शादी है चिंतपूर्णी में, सुना ही होगा आप लोगों ने। हाँ, तो अभी मैं उठ गई हूँ और मेरी आंखें बहुत सूजी सूजी लग रही है। हम सुबह उठे हैं इतने दिन के बाद, मतलब मैं इतने दिन के बाद इतनी सुबह सुबह उठी हूँ, वरना मैं इतनी जल्दी उठती नहीं हूँ। तो बाहर इतनी ठंड भाई, सुबह सुबह की ठंड बहुत अजीब है मेरी आंखों में भी। एक तो ये हमें 6 बजे के उठा गया है, कहते कि जल्दी जाना है, हमने वहाँ पर जल्दी पहुँचना है। कल है शादी, वैसे कल को है शादी, बट हमें आज ही जाना है। ऑफकोर्स क्योंकि बुआ की शादी है ना, क्योंकि बुआ की बेटी की शादी है ना। तो पापा हुए उनके मामा, पापा वगैरह हुए उनके मामा, एंड मामा का जाना ज़रूरी होता है ना, पहले जाना ज़रूरी है ना। तो यार मैं तो पूरी रिश्तेदारी बता दूंगी यहाँ पे। हाँ, तो पहले मैं आपको बाहर दिखाती हूँ कितना सुंदर लग रहा है, चलो दिखाती हूँ। धूप भी बहुत अच्छी है, बहुत गर्माहट मिल रही है शरीर को। भाई मैं ज़रा सी भाग लूँ, ज़रा सी चल लूँ, ज़रा सी सीढ़ियाँ चल लूँ, चढ़ लूँ, मेरे को सांस चढ़ जाती है बहुत बुरी। हाँ रुको जरा, चलो आज व्यू देखो, इतना मस्त व्यू आता है ना यहाँ से। भाई व्यू देखो, व्यू कितना सुंदर व्यू आ रहा है ना। नवीन जो ये भी आ गई मेरे पीछे पीछे, वाओ मन तो कर रहा है इधर ही रहा। सुबह सुबह कुछ ज्यादा ही अच्छा नहीं होता है यार। मेरा फोन, व्हाई आर यू नॉट शोइंग क्लियर। अब देखो गाइस, अब दिख रहा है ना व्यू, दिस इज कॉल्ड व्यू। मेरा मन करता है मैं सुबह उठ के ये व्यू देखूं, बट इतनी सीढ़ियां चढ़ के कौन आएगा भाई। ये लो ब्राइटनेस ऑन करके देखो भाई, ये क्या, ओह ये क्या हो गया। अब सुंदर लग रहा है, अब बहुत सुंदर लग रहा है। तो गाइज़ मैंने आपको व्यू दिखाना था, व्यू दिखा दिया, ज़्यादा बकवास नहीं करें क्योंकि हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, नहीं तो मेरे पापा जान खा जाएंगे। वो उन्होंने हमें कल ही बोला था सोने से पहले कि सुबह 8 बजे से पहले एकदम रेडी होना है, जाने से पहले। मैं नहीं चाहती कोई क्लेश हो मेरी वजह से, और किसी वजह से हो तो कोई चक्कर नहीं है। हाँ, तो अब भी मैं बकवास करने से हट नहीं रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है, मेरे मुँह पर धूप पड़ रही है ना। हम सन की किसेस लेके जाएंगे, इसे तो ठंड लग रही है, ये तभी आई है ऊपर धूप की वजह से। हाँ जी, तो गाइस हम जा रहे हैं चिंतपूर्णी। मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ, हम लोग जा रहे हैं चिंतपूर्णी, हम लोग जा रहे हैं चिंतपूर्णी क्योंकि वहाँ पे है मेरी कज़न की शादी, मेरी सगी कज़न की शादी, मेरी बुआ की बेटी की शादी है ना। बट चिंतपूर्णी हम अभी नहीं जाएंगे, चिंतपूर्णी हम शाम को जाएंगे। अभी पहले हम अपने घर जाएंगे, अपने गांव, जो कि बहुत अच्छे से देखा होगा मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, तो है ना, क्योंकि हम वहीं पे घुसे रहते हैं जब देखो, क्योंकि वो मेरा घर है भाई, हमारा घर है वो, हम जब चाहे जा सकते हैं, है ना। सो हम अभी वहाँ पे जा रहे हैं, मेरे से फ़ोन ही नहीं पकड़ हो रहा। एंड बाय द वे गाइज, आजकल मैं मिनी व्लॉग्स बनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा कोशिश। मिनी व्लॉग ठीक रहता है यार, लॉन्ग व्लॉग में कुछ किया नहीं जाता, मिनी व्लॉग ना चाहते वो भी इतना लंबा चौड़ा बन जाता है, फिर बाद में मेरे से एडिट नहीं होता क्योंकि उसको देखो पूरा दिन का व्लॉग आपने शूट किया है, उसमें आपने क्या क्या किया, आप कहाँ कहाँ गए, है ना। तो उसको सिर्फ 1 मिनट में कन्वर्ट करना इज नॉट ईजी, यू नो, ये बिल्कुल भी ईजी नहीं है। तो यार मैं ना फ्रस्ट्रेट हो जाती है जब एडिटिंग करने पे आती हूँ ना भाई, उसके ऊपर वॉइस ओवर करो नहीं, मतलब पहले तो उसके छोटे छोटे पार्ट्स निकालो जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बट उस इंपॉर्टेंट पार्ट में से भी छोटा सा इंपॉर्टेंट पार्ट निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। फिर उनको जोड़ो, 1 मिनट का बनाओ, 1 मिनट से ऊपर होना ही नहीं चाहिए, नीचे भी नहीं होना चाहिए,
है ना, फिर मैं बता सकती यार कोई एक और क्लिप ऐड हो जाएगी अगर एक मिनट से नीचे भी हो जाए ना। हाँ मेरी बाजू, हाँ तो मैं कह रही थी कि फिर ऐसा लगता है कि है ना एक और क्लिप ऐड हो जानी चाहिए, फिर ऐसे करते करते वो 59 मिनट से ऊपर हो जाती है ना यार, बहुत इरिटेटिंग लगता है। फिर बाद में वो सब होने के बाद वॉइस ओवर करो, बट मेरे घर में शांति नाम की चीज़ नहीं है भाई, ठीक है। कभी कोई पंछी बोल रहा है, कभी कोई कुत्ता भौंक रहा है भाई, फिर वॉइस ओवर करना भी ईजी नहीं है ना यार, है ना। इसको देखो हाँ यार, हाँ तो मैं कह रही थी कि बहुत मुश्किल है यार एडिट करना, मेरे पास बहुत सारे मिनी व्लॉग्स पड़े हुए हैं, उनको एडिट करना भाई। घर पे बैठे बैठे बस ठूसती रहती हूँ मैं, सारा दिन ठूसती रहती हूँ और कुछ नहीं करती मैं यहाँ पे। देखो ना मैं कहीं बाहर आती जाती हूँ, ठीक है ना, कुछ मैंने सुबह उठना है, खाना है, पीना है, ठीक है, दोपहर को भी खाना पीना, शाम को भी खाना पीना, रात को भी खाना पीना, फिर सो जाती हूँ और खा के वैसे ही बेड पे लेट जाती हूँ। बट देखो मुझे पता है यार मुझे कुछ अपने लिए करना चाहिए, अपनी बॉडी के लिए, अपने लिए, बट मैं फिर भी नहीं करती, मैं ना ही करूँगी। चलो अब यार बहुत ही ज़्यादा बकवास हो गई है, कितने 5 मिनट से बकवास कर रही हूँ मैं, 5 मिनट से भाई, देखो 10 मिनट अब लोग तो ऐसे ही मेरी बकवास में निकल जाएगा, फिर से बोलने लग जाएगी, फिर कहेंगे इतने मिनट में होगी मेरी बकवास। चलो मैं जा रही हूँ गाइस, मिलते हैं बाद में, तैयार होके बाय। गाइस हो गई मैं तैयार, बहुत देर पहले हो गई थी, बट गाड़ी में सामान सामान रखना था और खाना खाना भी ठूसना था, तो उस चक्कर में मैं व्लॉग नहीं बना पाई। अब मुझे याद है कि व्लॉग बना लेती हूँ जल्दी जल्दी। तो हम तैयार हो चुके हैं सभी के सभी, पापा को छोड़ के वो भी खाना खा रहे हैं, खाना खा के हम निकल जाएंगे। तो बस और क्या, और तो कुछ भी नहीं है, सब हम मिलते हैं जब हम निकलेंगे, उस टाइम मिलेंगे, ठीक है। देखो इसे जाते टाइम अपने स्कूल का होमवर्क कर लिया गए। देखो कल है शादी, मैंने कल का भी काम आज ही कर लिया क्योंकि मैम दे देते हैं रोज हैंड राइटिंग पेज करना है रोज, तो मैं आज कर लेती हूँ कल वाले भी। मैंने सोचा जाते जाते करिए लास्ट मिनट पे। गाइस हम जा रहे हैं सुपर मार्केट अपने सामने वाले में कुछ खाने पीने को लेने, रस्ते रस्ते के लिए ये लिया हमने बस। जा रही हैं गाइस, हवा धूप आ रही है यार, एक तो ये भी आ गई है। एंड गाइस आज हमने करी हुई है ट्रेनिंग, इधर आ देखो देखो हमने सेम से मतलब कलर डिफरेंस है, बस कलर अलग है हमारा। हम दोनों को ट्रेनिंग करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। इसकी मेहंदी देखो चढ़ी नहीं है, बहुत बेकार मेहंदी है, मेरे भी नीचे से पता नहीं क्यों नहीं चढ़ती है, ये कल तक चढ़ जाएगी बहुत ज़्यादा। ये लगाते लगाते मेरे हाथों की पूरी हालत हो गई थी, फिर इधर गंद मच गया, फिर ये लगाई, फिर ये मैंने सुबह धो दीदी, पता नहीं क्यों यहाँ पर जो नीचे मेहंदी लगाते वो चढ़ती क्यों नहीं है ऊपर ऐसे, क्योंकि अलग अलग कलर है ना इनका, वही तो चढ़ती नहीं है, तभी नहीं चढ़ती, चढ़ी है बट वो दिख नहीं रहा क्योंकि कलर डिफरेंस है स्किन में। देखा कब से ये मांग रही है, मुझे एक भी नहीं दिया, झूठी, मैंने इसको वैसे दिया है। देखो गाइस आवाज सुनो, हिल रहा है ये नीचे, हाय आवाज बहुत खतरनाक है यार, क्या छुट्टी देख गाड़ी वगैरह जा रही है ना, जोर से बोलना पड़ रहा है, जब कोई गाड़ी जाती है ना तभी पूरा हिलता है रोड, क्या है रास्ता हिलता है पूरा, पूरा पुल हिलता है पूरा रास्ता यार, कितना खतरनाक लग रहा है, वहाँ पे सुंदर है। सबसे छोटी बहन के लिए कपड़े लेने आए हैं नंगल, इसको खुशी हो रही है कि इसके नए कपड़े ले रहा है, खुशी तो होगी ना।
बैटर स्कैन नहीं हो रहा है, वो बैटर सबसे अच्छे वाला वही हो रहा है। घर से अंदर बैठ के कह रही किसको वो चाहिए, वो बाहर दिख रहा है आपको, ये फर्स्ट नंबर पे टंगा हुआ दिख ही नहीं रहा है इतने। डबल 2 1 बाहर जाके दिखाते हैं। देखो यहाँ से ऐसा ही है, बहुत ज्यादा पतला। गाइस दीदी तो कह रही है मैं बोलूंगी, दीदी बताऊँ क्या लोग, मैंने तो कुछ नहीं बोला ऐसा। दीदी देखो बोलेगी, शट अप, ये ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा। इसको ये लेना जो कि बहुत साफ है, उससे तो ठीक है। नहीं दीदी को बोलेंगे अपनी शादी के। बस इस दुकान पर मिला नहीं कुछ जिसको अच्छा नहीं लगा, तो अब कहीं और जा रहे हैं किसी और दुकान पे। अब तो बहुत गर्मी है। गाइस ये देखो कितनी बड़ी है, नहीं कितनी छोटी है, कितनी छोटी है, बड़ी है, छोटी। के लिए तो नहीं मिले, हम 3-4 दुकानों पे जाके आए। अब मम्मी के लिए देख रहे हैं पीछे वाली दुकान। कुछ दिखाना चाहती है आपको, देखो मेरे कितने अच्छे चश्मे। अपने ख्वाहिश भी कर सकती है अपनी आँख में। इसमें थोड़ी देर पहले कोई और कहा था, हमने दूसरा टेक लिया है। मत चलो करो, मुझे हंसी नहीं आ रही। बाय द वे अभी हम रुके हैं हमेशा की तरह जहाँ से हम मिठाई लेते हैं ना घर के लिए, वहाँ पे ही रुके हुए हैं। हमें भी जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? अगर हम गए तो 2-4 चीजें फालतू आ जाएंगी। आइसक्रीम नहीं, आइसक्रीम उसक्रीम। गाइस मैंने ये शेक लिया है, मुझे बहुत मन किया ये पीने का। और मम्मी के लिए लिमका भी ले लेते हैं। क्या है, दिखा दिखा, दिखाना दिखाना, ढंग से दिखाओ। पकड़ने के लिए ही बनाया है। तो झूले लगाए हुए हैं, इसमें गिफ्ट्स रखे हैं और बाकी सामान भी है। इतनी सारी मिठाई ली है, इतनी सारी, इससे भी बड़ा लग गया ये। हाँ। मैंने चॉकलेट लेने के लिए कितना सैक्रिफाइस कर दिया। चलो चॉकलेट वाली देते हैं अंकल। ये भी लिया, मैं पिछली बार भी लिया था। आ गए थे हम घर बहुत देर पहले, आते ही हमने पहले खाना खाया, बहुत ही ज्यादा भूख लगी हुई थी, क्योंकि बहुत ही ज्यादा भूख लगी हुई थी हमें। आवाज़ सुनी मुझे झाड़ियों में से, तो पीछे गाड़ी दिख रही होगी हमारी। हाँ अरे बुआ भी आ गए थे, तो ये बता रही हूँ तो ये आ रही है, तो चिड़िया है। तो अभी मैं जा रही हूँ अपने कज़न के घर, कज़न मतलब जिससे मैं हमेशा मिलती हूँ, उसी के साथ रहती हूँ मैं, उसके पास जा रही हूँ। अकेले है वो भी जाएंगे शादी में, सबसे अच्छी बात है कि वो भी शादी में होंगे। एंड दीदी भी जा रहे हैं। चलो फिर मिलते हैं गाइस उससे। गाइस हम जा रहे हैं नीचे और इससे भी मिल लें। हम नीचे जा रहे हैं सरा से पास में ऐसे ही घूमने, क्योंकि बिजी है सारे। एक तो हमारा नाम भी ऐसा है ना, अगर पापा बुलाए तो ऐसा लगता है हमें बुलाया है, है ना। और ये बार बार मेरे को जज करे जा रही है, ये काम है इसका, और कुछ नहीं आता इसे। कुत्ती तो आ गया, हमारी बहुत बुरी हालत हो रही है, सांस फूल गई है हमारी, है ना। बोलती रही है ये भाई। शाम के 6 बज गए हैं, लिटरली 6, और अब हम जा रहे हैं सारे, और भी काफ़ी लोग हैं। एक और गाड़ी करवाई हुई है बुक, उसमें जाएंगे सारे। अभी देखते हैं कि हम बच्चे जाएंगे कि बड़े बड़े जाएँ, बड़े बड़ों के साथ जाएंगे हम, कैसे होगा कैसे नहीं। और हम यही कपड़े डाल के जाएंगे, क्योंकि अंधेरा ही होगा भाई, कौन ही देखेगा उधर। और शादी तो कर लेना है वैसे भी, अभी तो वो जो जो मामे वाली साइड करते हैं ना, नाना नानी वाली साइड वाले करते हैं ना, वो वाले रीति रिवाज वगैरह हो गए। बाकी शादी तो कर लिया, मेन चीज़ तो कर लेना, तो हम ऐसे ही चले जाएंगे।
देखो गाइस हम सारे इतने सुंदर सुंदर बन के जा रहे हैं। ये तो ऐसे ही सोई भी रहती है। ये हमारे सबसे सुंदर दीदी है ना। मन में लड्डू खा रहा है। बड़ा बढ़िया गया। लफ्ज खत्म हो गए। उनका देखना एक वेस्टर्न एक पंजाबन। बैक कैमरे से देखो ऐसे लग रहा है दीदी। वंशु बड़ी मम्मा देखो वैसे दूर रुके हम यहाँ पे। हम पहुँच गए हैं अब। यहाँ से हम जाएंगे स्ट्रीट लाइट लगी है रास्ता है। यहाँ से जाएंगे हम इकट्ठे होके। रास्ते में बड़ी बुरी हालत हुई भाई। फ़ोन को टच करके भी मैं मरने वाली हो जाती। तो यहाँ पे चिंतपूर्णी माता जी का मंदिर है। यहाँ पे सारे खड़े हुए हैं। अंदर गया ये इधर बैठी हुई है। ब्लॉग बना रहे हैं। अंधेरे में दिख रहा है इतने सारे लोग हैं बैठे यहाँ पे। अब यहाँ पे सामान दे रहे हैं। पीछे हमारी सुंदरी आ रही है। सुंदरी सुंदरी गाने नहीं आते यार। अंधेरा देखना सुंदर लड़की आ रही है। यस हमारी सुंदरी आ रही है। पापा पीछे बैठे हुए अजीब लग रहे बहुत है ना। वो चलाते हुए खरे लग रहे हैं। और पापा कितने अजीब लग रहे हैं पीछे बैठे हुए है ना। यार नहीं यार वो चलाते हुए एक और आई। देखना स्कूल ट्रिप पे आई है हमारी गाइड। ओ यार चल चल रुक जा एक और आई। छोड़ो हम अंदर जाएंगे। देखना गाइस हमारे वेलकम में लोग कैसे खड़े हुए हैं। और हमारे वेलकम में डेकोरेशन भी करी गई है। गाइस वीडियो बनेगी। वीडियो बन रही है। छोटी सी बेचारी वेट कर रही है। कब से खड़ी है ये। इसको शर्म आ रही है। नर्वस है। बाकी लोग भी आ गया गाइस। इन्हीं का वेट था और अब होगा शुरू। गाइस एवरीथिंग इज स्टार्टिंग नाउ। बहुत देर के बाद अब जाके चैन मिला है। थक गए बहुत ज्यादा। थक गए इतनी देर तो पहले हम खड़े ही रहे। अब हम बैठे हैं यहाँ पे शांति वाली जगह ढूंढ के बैठे हैं। नीचे मतलब ऊपर है एक और फ्लोर उधर बैठे हैं हम। यार नीचे तो बहुत शोर वगैरह है ना। यहाँ बहुत शांति है और हवा आ रही है और व्यू भी बहुत सुंदर है। सुबह दिखाऊंगी। सुबह अच्छा लगेगा ना व्यू। अभी नहीं ये यहाँ बैठ के मुझे जज कर रही है। ये हाय करती है। इसके अलावा तो इसे कुछ भी नहीं आता। और कुछ बोलना नहीं आता। बोल दो फिर इधर आके बोल लो। गाइस हमने खाना वगैरह खा लिया था और अभी कपड़े भी चेंज कर लिए हैं। अब बहुत हवा चल रही है ठंडी ठंडी। अब जैसे होता है शादी में इकट्ठे होकर सोते सारे एक कमरे में गद्दे वगैरह लगा के वैसे ही सो रहे हैं हम। तो हम ऐसे ही बाहर आए थे हवा लेने के लिए। सोचा व्लॉग एंड कर दूँ। तो अब कल का व्लॉग ही इंटरेस्टिंग होगा। मैं कल वाला व्लॉग क्या क्या बोला था मैं। आज तो कुछ खास था नहीं। तो अब हम कल वाले व्लॉग में मिलते हैं। बाय बाय बाय। वो चली गई। बाय।